गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल का जो अपना वीडियो था उसमें अपने एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था और उसका नाम था अपने गांधीवाद। देखो कल के वीडियो में अपने गांधीवाद क्या होता है, गांधी जी का जो जीवन परिचय था वो, इसके अलावा गांधी जी के गांधीवाद के मूल आधार या तत्व उनकी, और गांधीवाद के मूल स्रोत या गांधीवाद के ऊपर किन का प्रभाव पड़ा, इन चीज़ों के बारे में अपने कल के वीडियो में अपने अध्ययन कर चुके हैं। अब आज अपने उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आगे अपने चर्चा करते हैं। तो देखो अपना टॉपिक चल रहा था गांधीवाद या गांधीज में, अब आज इसमें पढ़ते हैं गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। देखो दक्षिण अफ्रीका गांधी जी गए थे, कल मैंने आपको बताया होगा कि 1893 ईस्वी में एक कंपनी थी जिसका नाम था अब्दुल्ला एंड अब्दुल्ला, एक इस कंपनी थी, एक फर्म था जिसके किसी मामले को लेकर गांधी जी अफ्रीका गए थे। हालांकि गए तो थे कुछ समय के लिए, लेकिन वहाँ पर फिर रंग भेद की नीति या फिर वहाँ पर श्वेत अश्वेत के आधार पर, मतलब वहाँ पे काफ़ी बुराइयाँ, काफ़ी एक प्रकार से शोषण हो रहा था, तो उसके कारण गांधी जी को वहाँ काफ़ी समय लग गया। और वह दक्षिण अफ्रीका जो है वही गांधी जी के प्रयोगों की क्या कहलाया, प्रयोगशाला कहलाया। तो देखो अपना टॉपिक है दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका गांधी जी के प्रयोगों की प्रयोगशाला। देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपको, सीधा अगला दो नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी के प्रयोगों की प्रयोगशाला क्यों कहा जाता है, क्या कारण है कि दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी की प्रयोगशाला कहा जाता है। देखो इससे कई कारण हैं, कारण कौन कौन से हैं, किस आधार पर कहते हैं, उनकी अपने चर्चा करते हैं। देखो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका गए थे 1893 में, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका गए थे, और दक्षिण अफ्रीका में जाने के बाद में गांधी जी के साथ वहाँ पर किस आधार पर विरोध हुआ था, किस आधार पर गांधी जी के साथ में भेदभाव हुआ था, रंग भेद के आधार, मतलब दक्षिण अफ्रीका में श्वेत अश्वेत के आधार पर क्या होता था, भेदभाव होता था। काले आदमी जो होते थे या भारतीय कहते एक तरफ से अपने, कि काले आदमियों के साथ वहाँ पर काफ़ी भेदभाव होता, उनको प्रताड़ित किया जाता, उनका शोषण होता। जैसे गांधी जी की बात कर ले, गांधी जी एक बार प्रोटोरिया में जब एक ट्रेन में बैठे थे, गलती से वो फर्स्ट ट्रेन के डिब्बे में बैठ गए, तो वहाँ के जो श्वेत थे, अंग्रेज थे, उन्होंने गांधी जी को उस डिब्बे से बाहर निकाल दिया, उनके साथ में मारपीट भी की गई। तो गांधी जी जो है, इस गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में किस नीति का विरोध किया था, रंग भेद की नीति का विरोध जो है वो गांधी ने सबसे पहले कहाँ किया था, दक्षिण अफ्रीका। और ये रंग भेद की नीति क्या होती है, ये अपने पीछे जब नेल्सन मंडेला आपने पढ़ा था उस समय आपको मैं इसके बारे में डिटेल से बता चुका हूँ कि किस प्रकार मंडेला ने भी रंग भेद की नीति का विरोध किया था और कई वर्षों तक वो जेल में रहे थे। तो देखो रंग भेद की नीति का विरोध गांधी जी ने कहाँ पर किया, दक्षिण अफ्रीका में किया। और सबसे पहले सत्याग्रह जो है, सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग भी गांधी जी ने कहाँ पर किया था, दक्षिण अफ्रीका में ही सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया था। देखो दक्षिण अफ्रीका की एक जाति थी जिसका नाम था जुल्लू जनजाति, कौन सी जनजाति थी, जुल्लू जनजाति। इस जुल्लू जनजाति के सामाजिक उत्थान के लिए गांधी जी ने सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में क्या किया था, सत्याग्रह किया था। और इसी कारण गांधी जी को एक पदक भी मिला था वहाँ पे जिसका नाम था जुल्लू पदक। इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका के जो बोवर जाति के किसान थे, उन बोवर जाति के किसानों के लिए भी महात्मा गांधी ने वहाँ पर क्या किया था, सत्याग्रह किया था। इसके अलावा गांधी जी ने सबसे पहले आश्रम की स्थापना जो है, वो आश्रम की स्थापना भी कहाँ पर की थी, दक्षिण अफ्रीका में ही की थी। गांधी जी ने अपना पहला आश्रम देखो दक्षिण अफ्रीका में खोला था। भारत की बात आ जाए तो भारत में तो खोला था मई 1915 में साबरमती अहमदाबाद में, लेकिन सबसे पहला आश्रम जो है वो कहाँ पर खोला था, दक्षिण अफ्रीका में खोला था 1904 में, दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर, डरबन में, और उस आश्रम का नाम रखा था फोनिक्स आश्रम। इसके बाद में दूसरा आश्रम भी गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में खोला था, कहाँ पर, अपने जोहान्सबर्ग में।
और उस आश्रम का नाम रखा था टोल्स्टॉय आश्रम। देखो ये काफी अच्छे क्वेश्चन है, कई बार पूछे हुए हैं कि गांधी जी ने पहला आश्रम कहाँ पर खोला था, उस आश्रम का क्या नाम था, जुल्लू पदक गांधी जी को किसने दिया था, या गांधी जी ने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग कहाँ पर किया था। तो ये काफी एक एक नंबर के क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। इसके अलावा देखो धार्मिक चेतना जो है, इस धार्मिक चेतना का विकास भी जो है वो गांधी जी में कहाँ पर हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। दक्षिण अफ्रीका में ही गांधी जी ने धार्मिक जो पुस्तकें थी, धार्मिक जो ग्रंथ थे, जो सनातन धर्म ग्रंथ थे, उन सनातन धर्म ग्रंथों का, पुस्तकों का, गीता का, पंचलिकी, योग भाष्य का, बोध, जैन, इन ग्रंथों का अध्ययन भी जो है वो गांधी जी ने कहाँ पर किया था, दक्षिण अफ्रीका में ही किया था। इसके अलावा जो पश्चिमी लेखक थे, उन पश्चिमी लेखकों की विचारधाराओं का अध्ययन भी जो है वो गांधी जी ने कहाँ पर किया था, दक्षिण अफ्रीका में। पश्चिमी लेखक कौन कौन, देखो अपने कल अपने बात की थी, जैसे डेविड थोरो, रस्किन, टॉल्स्टॉय, सुकरात, ये कुछ ऐसे दार्शनिक, ऐसे लेखक थे जिनकी विचारधाराओं का अध्ययन भी जो है वो गांधी जी ने कहाँ पर किया था, दक्षिण। देखो गांधी जी ने सबसे ज़्यादा समय जो है अपने अध्ययन के बाद में अफ्रीका में ही बिताया था। तो अफ्रीका में ही गांधी जी की धार्मिक चेतना का विकास हुआ, वहीं पर पश्चिमी लेखकों की विचारधाराओं का अध्ययन किया, वहीं पर रंग भेद की नीति का विरोध किया, वहीं पर सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग किया और वहीं पर सबसे पहले आश्रम की स्थापना की। इस कारण से दक्षिण अफ्रीका को गांधी जी के प्रयोगों की क्या कहा जाता है, प्रयोगशाला कहा जाता है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपने साध्य और साधनों की पवित्रता पर बल। देखो गांधी जी जो थे वो साध्य और साधन, साध्य और साधन का मतलब आपके उद्देश्य, आपके कार्य और उन कार्यों को करने के जो साधन है वो, इन दोनों के ऊपर ही गांधी जी ने क्या कहा कि आपके साध्य मतलब आपका उद्देश्य, आपका लक्ष्य और उस लक्ष्य को प्राप्त करने के साधन दोनों ही क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए। देखो सीधा क्वेश्चन पूछ ले, गांधी जी ने साध्य और साधन में से किसको पवित्र बताया, तो ध्यान रखना दोनों को ही गांधी जी ने क्या बताया है, पवित्र बताया है। गांधी जी ने कहा है कि दोनों ही कैसे हैं, दोनों ही कैसे होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, नैतिक होने चाहिए, शुद्ध होने चाहिए, उच्च होने चाहिए। मतलब आपका साध्य और साधन जो है उसमें किसी प्रकार का छल कपट, किसी प्रकार का उसमें अहम, किसी प्रकार की उसमें हिंसा, किसी प्रकार का उसमें अशुद्धिकरण, किसी प्रकार की उसमें निम्नता नहीं होनी चाहिए। दोनों ही एक प्रकार से पवित्र होने चाहिए, दोनों ही नैतिक होने चाहिए, दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, दोनों ही उच्च होने चाहिए। देखो गांधी जी है ना, ये साध्य और साधन इन दोनों को एक ही समझते थे, इनको अलग अलग नहीं मानते थे। गांधी जी ने कहा कि साध्य और साधन जो है वो दोनों ही क्या है, अविभाज्य है, अर्थात इनको विभाजित नहीं किया जा सकता। देखो गांधी जी ने साध्य साध्य और साधन की पवित्रता पर बल देते हुए एक पंक्ति भी कही थी कि मेरी नजर में साधन जो है, गांधी जी ने कहा था कि मेरी नजर में साधन जो है वो क्या है, एक बीज के समान है। साधन कैसे हैं, एक बीज के समान है, और साध्य जो है वो कैसा है, एक वृक्ष के समान है। कहने का मतलब हो गया कि जैसा बीज होगा उसी बीज के अकॉर्डिंग क्या होगा, वृक्ष होगा। अर्थात जैसे आपके साधन होंगे उसी प्रकार से आपके साध्य की प्राप्ति होगी। इसीलिए गांधी जी ने कहा कि दोनों ही क्या होने चाहिए, पवित्र होने चाहिए, दोनों ही शुद्ध होने चाहिए, दोनों ही नैतिक होने चाहिए, दोनों ही उच्च होने चाहिए। ये हो गए अपने गांधी जी के साध्य और साधन की बात। अब मेन बात करते हैं जिसके ऊपर गांधी जी वाद, जिसके ऊपर गांधीवाद टिका हुआ है, वह है अपने अहिंसा। अहिंसा
गांधी जी का मूल हथियार या गांधीवाद का मूल तत्व है। देखो अहिंसा क्या होती है, अहिंसा का मतलब ये नहीं है कि आप मारपीट मत करो। गांधी जी ने कहा कि अहिंसा क्या है, देखो गांधी जी ने कहा कि आप मन से, आप वचन से, आप कर्म से किसी को भी क्या न दो, कष्ट न दो। किस प्रकार से? मन से, कर्म से, वचन से किसी प्रकार को, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार का कोई कष्ट मत दो। मतलब आप आपस में झगड़ा कर रहे हो वो तो हिंसा है ही है, लेकिन गांधी जी ने ये कहा कि अगर आप मन में भी ये सोच लो ना कि मैं उसका बुरा कर दूं, उसको मार डालूं, उसके साथ छल कपट कर लूं, अगर मन में सोच लिया हालांकि आपने कुछ भी नहीं किया, तो गांधी जी इसको भी क्या कहते थे? हिंसा कहते थे। इसलिए गांधी जी ने कहा कि मन से भी नहीं होना चाहिए, वचन मतलब आपकी बोली भी कैसी होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए, अच्छी बोली होनी चाहिए। ऐसे नहीं कि आप गलत शब्दों का प्रयोग कर रहे हो, आप गाली गलौज कर रहे हो, आप उसको मारने पीटने की बातें कर रहे हो, इस प्रकार का भी आपके वचन नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा प्रयोग भी आप कर रहे हो तो वो भी गांधी जी की नजर में क्या है? हिंसा है। कर्म अर्थात आप ऐसा कोई भी कार्य मत करो जिसकी वजह से किसी दूसरे को क्या हो, कष्ट हो, किसी दूसरे का दिल दुखे, किसी दूसरे का नुकसान हो, वो भी आपको नहीं करना है। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो वह क्या है? अहिंसा है। तो गांधी जी ने कहा कि मन, वचन, कर्म इनसे किसी को कष्ट न देना, वह क्या है? अहिंसा है। मतलब किसी को भी क्या न देना, कष्ट न देना, किसी का भी क्या न दुखाना, दिल न दुखाना, अर्थात किसी का भी नुकसान न करना, वह गांधी जी की नजर में क्या है? अहिंसा है। देखो गांधी जी ने कहा था कि जो अहिंसक व्यक्ति होता है, मतलब जो अहिंसा का पुजारी होता है ना, उस व्यक्ति में प्रेम, दया, उदारता, सही सुनता का वास होता है। क्या होता है? दया, प्रेम, उदारता, सही सुनता का वास होता है। गांधी जी ने उस व्यक्ति को किसकी मूर्ति कहा है? क्षमा की मूर्ति कहा है। गांधी जी ने कहा है कि जिस व्यक्ति में प्रेम, दया, क्षमा ये गुण होंगे, सत्य का गुण होगा, वह व्यक्ति अहिंसक होगा। और उस व्यक्ति को गांधी जी ने सत्य की मूर्ति, या ये सॉरी क्षमा की नहीं, सत्य की मूर्ति, उस व्यक्ति को गांधी जी ने किसकी मूर्ति कहा है? सत्य की मूर्ति कहा है। देखो गांधी ने सत्य के बारे में भी कहा है, गांधी जी ये कहते कि मेरी नजर में सत्य क्या है? सत्य ही क्या है? ईश्वर है। ये तक कहा है गांधी जी की, जो सत्य बोलता है इसका मतलब है ईश्वर है, वह व्यक्ति साक्षात ईश्वर के समान है, उस व्यक्ति में भी अच्छे गुणों का वास है। सत्य वही बोलेगा जो कौन है? गांधी जी की नजर में ईश्वर के समान है। तो गांधी जी ने कहा था कि अहिंसक व्यक्ति जो होता है उसमें प्रेम, दया, उदारता, सहिष्णुता, क्षमा करने का गुण होता है, और वह व्यक्ति जो है वह सत्य की क्या होता है? मूर्ति होता है। जो अहिंसक व्यक्ति होता है उस अहिंसक व्यक्ति का कोई भी क्या नहीं होता है, शत्रु नहीं होता है, उसे सभी व्यक्ति क्या करते हैं? प्रेम करते हैं। और गांधी जी ने यह भी कहा है कि अहिंसा जो है वो प्रेम की एक क्या है? जड़ी बूटी है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, आपने पूछा हुआ है पटवार एग्जाम में कि गांधी जी की नजर में प्रेम की जड़ी बूटी किसे कहा गया है, तो किसे कहा गया है? अहिंसा को। और गांधी जी ने यह कहा है कि जो व्यक्ति अहिंसक होता है, जिसमें अहिंसा का गुण होता है, वह व्यक्ति जो है वो शत्रु को भी अपना क्या बना लेता है? मित्र बना लेता है। अरे सीधी सी बात है, देखो कई बार क्या होता है, कुछ काम ऐसे होते हैं जो लड़ाई झगड़े से नहीं होते लेकिन प्रेम से हो जाते हैं, समझ रहे हो? आप किसी से गुस्से में बात करो, किसी के सामने दादागिरी से पेश आओ, कल डाउन दिखावा, तो कल डाउन से कई बार को काम हो जाए, कई बार काम क्या हो जाए? प्रेम से हो जाएगा। तो गांधी जी ने कहा कि जो व्यक्ति अहिंसक होता है, जिसमें प्रेम, दया, क्षमा इनका गुण होता है, जो दूसरे को कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह व्यक्ति अहिंसक होता है। और प्रेम जो है वो, अहिंसा जो है वो प्रेम की एक क्या है? जड़ी बूटी है, जो शत्रु को भी मित्र बना देती है, और अहिंसक व्यक्ति का कोई भी शत्रु नहीं होता। तो ये था अपने अहिंसा। अहिंसा का मतलब है मन, वचन, कर्म से किसी को किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना, किसी का दिल नहीं दुखाना, वही क्या है? गांधी जी की नजर में अहिंसा है। अब आगे बात करते हैं अगले बिंदु की। अहिंसा के बाद में गांधी जी का प्रमुख हथियार
जिसका गांधी जी ने अपने जीवन में सबसे ज्यादा बार प्रयोग किया था वह है अपने सत्याग्रह। यहां से देखो बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये आता है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहली बार कहां किया था, तो कहां किया था, अभी बताया था आपको, दक्षिण अफ्रीका में। कौन सी जनजाति के लिए? जुल्लू जनजाति के लिए। तो देखो सबसे पहले तो बात करते हैं सत्याग्रह होता क्या है। देखो ये सत्याग्रह जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस आग्रह। इन दोनों शब्दों का अर्थ निकाले तो अर्थ हो गया अपने सत्य पर डटे रहना या सत्य के लिए क्या करना, आग्रह करना। ये होता है सत्याग्रह का अर्थ। देखो गांधी जी ने ये कहा कि सत्याग्रह का अर्थ है कि सत्य पर हमेशा क्या रहना, डटे रहना, हमेशा सत्य का साथ देना, असत्य का साथ नहीं देना। सत्य के लिए चाहे आपको कितने पीड़ा कष्ट उठानी पड़े, आपको हमेशा सत्य का साथ देना है और अंत में विजय भी सत्य की ही होती है। ये गांधी जी का सबसे प्रमुख हथियार था और इस हथियार का सबसे पहली बार प्रयोग गांधी जी ने कहाँ पर किया था, दक्षिण अफ्रीका में। देखो कई बार ऐसे पूल के प्रयोग कहाँ पर किया, या क्वेश्चन ये भी आ जाए कि सत्याग्रह की उत्पत्ति जो है वो कहाँ से मानी जाती है, तो उत्पत्ति पूछ ले या प्रयोग पूछ ले तो अपने सीधा आंसर क्या देना है, दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से सत्याग्रह की उत्पत्ति मानी जाती है। अब देखो ये सत्याग्रह जो है, इस सत्याग्रह की कई बार विशेषताएँ पूछते हैं कि सत्याग्रह जो है इसकी प्रमुख विशेषताएँ कौन कौन सी होती है, या जो व्यक्ति सत्याग्रही होता है उस व्यक्ति में कौन कौन सी विशेषताएं होती है। मतलब जो व्यक्ति सत्य पर डटा रहता है, सत्य के लिए आग्रह करता है, उस व्यक्ति में गांधी जी के अकॉर्डिंग कौन कौन सी विशेषताएं होती है। तो देखो पहली विशेषता तो गांधी जी ने बताई है कि जो व्यक्ति सत्याग्रही होता है उस व्यक्ति की ईश्वर में क्या होती है, श्रद्धा होती है। जो व्यक्ति सत्याग्रही होता है उसकी ईश्वर में श्रद्धा होती है, उसका ईश्वर में अटूट विश्वास होता है, उसका ईश्वर में विश्वास होता है, वह ईश्वर को मानता है। किस व्यक्ति की बात की ये गांधी जी ने कहा है कि जो व्यक्ति सत्याग्रही होता है वह व्यक्ति किस में विश्वास रखता है, किस में श्रद्धा रखता है, ईश्वर में श्रद्धा रखता है। दूसरी बात, जो व्यक्ति सत्याग्रही होगा वह कैसा होगा, सत्य और अहिंसा में विश्वास करने वाला होगा। मतलब जो सत्याग्रही होगा वह सत्य का साथ तो देगा ही देगा, साथ में वह किसका साथ नहीं देगा, हिंसा का साथ नहीं देगा। मतलब वह कैसा होगा, अहिंसात्मक होगा। और अहिंसा क्या होती है ये बात अपने कर चुके हैं। इसके अलावा जो व्यक्ति सत्याग्रही होता है उस व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो कैसा होता है, उच्च चरित्र वाला व्यक्ति होता है, उसमें उच्च नैतिक गुण होते हैं, उसका चरित्र जो है पवित्र होता है, शुद्ध होता है, उसके नैतिक गुण है, उसका चरित्र जो है वो कैसा होगा, उच्च होगा। चौथी विशेषता है कि सत्याग्रही व्यक्ति जो होता है उसका ध्येय, उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य जो है वो भी कैसा होता है, शुद्ध होता है। इसके अलावा सत्याग्रही व्यक्ति जो होता है वो हिंसा का क्या होता है, त्यागी होता है। मतलब वह हिंसा को नहीं अपनाता, हिंसा से वह कोसों दूर रहता है। वह किसका पुजारी, किसका समर्थक होता है, अहिंसा का समर्थक तो होता है, अहिंसा को मानता है, हिंसा से उसका दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं होता। इसके अलावा पांच विशेषता, ये छठी विशेषता आपने देख सकते हैं कि वह व्यक्ति निर्व्यसनी होता है। अर्थात उस व्यक्ति में गंदी आते, गंदे विचार, गंदे उसके उद्देश्य, गंदे लक्ष्य नहीं होते। उसकी आते, उसके विचार, उसके लक्ष्य, उसका रहन सहन वो कैसा होता है, शुद्ध होता है, पवित्र होता है, नैतिक होता है। इसके अलावा जो व्यक्ति सत्याग्रही होगा उस व्यक्ति में धैर्य, क्षमा, उत्साह और सही सहिष्णुता का गुण भी क्या होगा, विद्यमान होगा। तो ये क्या है, गांधी जी के अनुसार सत्याग्रही व्यक्ति की विशेषताएं है। देखो पूछ सकते हैं, दो नंबर का क्वेश्चन पूछ ले
कि गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह की कौन कौन सी विशेषताएं होती है, कोई दो या चार विशेषताएं बताइए। अब बात करते हैं अपने सत्याग्रह जो होता है, उस सत्याग्रह के रूप कौन कौन से होते हैं। सत्याग्रह की बात कर ली, अब सत्याग्रह के रूप मतलब किस प्रकार से सत्याग्रह किया जा सकता है। सत्याग्रह के रूप, सत्याग्रह के रूपों में देखो सबसे पहला रूप आता है अपने असहयोग। असहयोग का मतलब क्या है? देखो असहयोग का मतलब है कि किसी भी गलत कार्य का, किसी भी अवैध कार्य का, किसी भी अनैतिक कार्य का, किसी भी असत्य कार्य का, किसी भी गलत कार्य का, किसी भी अनुचित कार्य का क्या नहीं करना, सहयोग नहीं करना। वही गांधी जी के अनुसार क्या है, असहयोग है। देखो गांधी जी ने 1920 ईस्वी में अपना पहला जो आंदोलन किया था ना, वो आंदोलन भी असहयोग आंदोलन था। इसको 1922 में चोरा चोरी वाली जो घटना हुई थी, उस घटना के बाद में क्या कर दिया गया था, उस आंदोलन को बंद कर दिया था। तो देखो सत्याग्रह का पहला प्रकार, सत्याग्रह का पहला रूप क्या है कि आप क्या करो, सत्य के लिए असहयोग का रास्ता अपनाओ। और असहयोग के अंतर्गत आपको क्या करना है, असहयोग के अंतर्गत भी गांधी जी ने दो तीन तरीके बताए थे। पहला तरीका तो इसमें यह बताया था कि आप क्या करो, हड़ताल। गांधी जी ने यह कहा था कि आपको क्या करना है, असहयोग के अंतर्गत सबसे पहला आपका जो हथियार होगा वो क्या होगा, हड़ताल होगा। हड़ताल क्या होती है, देखो हड़ताल का मतलब ये नहीं है कि आप हाथों में लठ ले लो और बंदूक ले लो और जबरदस्ती दुकानें बंद करा दो, शटर बंद करवा दो, मार्केट बंद करवा दो, ये नहीं है। गांधी जी ने कहा कि अगर आप सत्याग्रही हो, अगर आप असहयोग कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, स्वेच्छापूर्वक अपने प्रतिष्ठान वगैरह, अपने जो कस्बा वगैरह है, अपना शहर वगैरह है, उसको स्वेच्छा पूर्वक आपको क्या करना है, बंद करना है। हड़ताल का सीधा सा शाब्दिक अर्थ क्या हो गया, स्वेच्छा पूर्वक बंद करना। तो सबसे पहला हथियार जो है असहयोग का वो क्या हो गया, हड़ताल। इसके बाद में दूसरा बताया था गांधी जी ने सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार में गांधी जी ने देखो अपने फिल्मों में या प्राचीन समय में जो पंचायत वगैरह होती थी, वहाँ पे अपने देखते थे कि कोई भी अगर गलत कार्य करता, अवैध कार्य करता, अनैतिक कार्य करता, तो समाज के जो पंच वगैरह होते, जो पंचायत होती, वह क्या करती, उस व्यक्ति को अपने समाज से बाहर कर देती। मतलब आप क्या कर, अपनी भाषा के माने कि जात बारह कर बो, समाज बारह कर बो। तो गांधी जी ने यही कहा था कि असहयोग जो है, उस असहयोग के दौरान अपने को सामाजिक बहिष्कार का रास्ता भी अपनाना है। सामाजिक बहिष्कार का मतलब हो गया कि अपने को गलत को, अवैध को, अनैतिक को समाज से क्या कर देना है, उसका बहिष्कार कर देना है। तीसरी बात गांधी जी ने, तीसरा जो हथियार बताया था वो था अपने क्या, धरना। देखो धरना क्या होता है, धरना का मतलब होता है शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मनवाने के लिए किसी स्थान पर इकट्ठा होकर विरोध करना। मतलब कोई भी जैसे मान लो गलत हो रहा है, अनैतिक हो रहा है, अवैध हो रहा है, तो उसको मनवाने के लिए आपको शांतिपूर्ण तरीके से, मतलब कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, शांतिपूर्ण तरीके से एक स्थान पे इकट्ठा हो जाना है, होर्डिंग्स के माध्यम से, बोर्डों के माध्यम से आपको क्या करना है, उसका विरोध करना है। अहिंसक रूप से, ध्यान रखना अहिंसक रूप से, हिंसा बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो गांधी जी के अनुसार असहयोग के अंतर्गत ये कितने हथियार है, असहयोग के तीन हथियार या तीन रूप है। दूसरा आता है अपने सत्याग्रह के अंदर हिजरत। हिजरत देखो हिजरत क्या है, हिजरत का मतलब हो गया कि गांधी जी ये कहते कि आप के साथ में मान लो कुछ गलत हो रहा है, आप उसको हिंसात्मक रूप से या अहिंसात्मक रूप से या अस्त्र के माध्यम से या शस्त्र के माध्यम से आप उसका समाधान नहीं कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, उस स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर क्या करना चाहिए, चले जाना चाहिए। मतलब अपने निवास स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना, वही गांधी जी के अकॉर्डिंग क्या है,
हिजरत है। और देखो इस हिजरत का सबसे पहली बार प्रयोग है ना, वो गांधी जी ने 1928 में जो गुजरात है उस गुजरात में एक सत्याग्रह हुआ था बारदोली नामक स्थान पर, जिसको बारदोली सत्याग्रह के नाम से जानते हैं। इस हिजरत का सबसे पहली बार प्रयोग यहीं पर किया था। इसके अलावा 1939 में जो विट्ठलगढ़ अपने है, जूनागढ़ है, इन स्थानों पर भी गांधी जी के द्वारा इस असहयोग का जो ये सत्याग्रह का जो रूप है हिजरत, इसका प्रयोग किया गया था। अगला आता है अपने सविनय अवज्ञा। सविनय अवज्ञा, सविनय अवज्ञा में गांधी जी ने कहा कि जो गलत हो रहा है, जो अवैध हो रहा है, जो नाजायज है, जो असत्य है, उसका क्या करना है आपको, बड़े विनम्रता पूर्वक, मतलब मारपीट दंगे वगैरह हिंसात्मक रूप से नहीं, बड़े ही शालीन रूप से, बड़े ही विनम्र रूप से, बड़े ही आराम से क्या करना है, उसकी अवज्ञा करनी है, मतलब उसका विरोध करना है, उस बात को आपको स्वीकार नहीं करना है। जैसे गांधी जी ने किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन, जो अपने दांडी यात्रा थी 1930 वाली, उस दांडी यात्रा से स्टार्ट हुआ था 6 अप्रैल 1930 को, वहाँ से स्टार्ट करके 1934 ईस्वी तक गांधी जी ने क्या किया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन ही किया था। क्यों? क्योंकि गांधी जी की कुछ मांगे थी, जिन मांगों को मानने से अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, मना कर दिया था, और उन्हीं के फलस्वरूप गांधी जी ने सविनय अवज्ञा का सहारा लिया था। और अगला रूप आता है सत्याग्रह के अंतर्गत अपने उपवास। उपवास आपने भाषा बोल दिया व्रत कर बो। देखो गांधी जी ने इसको सबसे शक्तिशाली रूप बताया है, सत्याग्रह का सबसे शक्तिशाली रूप किसको बताया है, उपवास को बताया है। इससे गांधी जी ने आध्यात्मिक औषधि भी कहा है, आध्यात्मिक औषधि, मतलब इसको एक दवाई की संज्ञा भी दी है गांधी जी ने, कि उपवास करने से अपना शरीर भी क्या रहता है, स्वस्थ रहता है। और देखो अपने शास्त्रों में भी ये कहा गया है कि व्यक्ति को ज़्यादा भी नहीं तो सप्ताह में एक दिन क्या करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तो देखो उपवास, गांधी जी ने कहा था कि आपको सत्याग्रह के लिए क्या करना चाहिए, आपको सत्य पर डटे रहने के लिए, आपकी बात को मनवाने के लिए आपको उपवास करना चाहिए, और उपवास जो है वो आपको स्वयं को ही करना चाहिए। ये भी क्या है, एक सत्याग्रह का रूप है, जिसे गांधी ने सबसे शक्तिशाली, देखो भगत सिंह की बात कर ले अपनी, भगत सिंह ने अपने जेल के अंदर जो अशुद्ध खाना था, उस अशुद्ध खाने के खिलाफ क्या की थी, अपने भूख हड़ताल की थी। बालमुकुंद बिस्सा है, उसने भी भूख हड़ताल की थी, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु भी हो गई थी। इसके अलावा गांधी जी जो है, इस गांधी जी ने भी अपने जो सांप्रदायिक पंचायत लागू हुआ था, या अपने इससे पहले जो 1909 वाला अधिनियम था, उस दौरान भी गांधी जी ने उपवास का सहारा लिया था। तो ये है गांधी जी के अनुसार सत्याग्रह, सत्याग्रह के रूप, ठीक है। अब एक टॉपिक की बात और कर लेते हैं अपनी, राजनीति का आध्यात्मिकरण। चलो इसकी बात अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि अपना वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। तो ये आज का टॉपिक अपने इतना ही, बाकी कल के टॉपिक में अपने गांधी जी के राजनीतिक आर्थिक विचार, राजनीतिक आध्यात्मिकरण पर गांधी जी ने क्या कहा, गांधी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत क्या है, इन चीज़ों के ऊपर अपने बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, दैट्स ऑल।